हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सो फ्रेंड्स, देखिए ये है संडे का ब्लॉग, और हमारा संडे का शुरुआत कुछ इस तरह ही होता है। और बच्चे पूरा बहुत परेशान करते हैं, मेरा माइंड तो पूरा गोल कर देते हैं, खुद भी गोल हो जाते हैं खेल लूल कर। और आज था संडे, बाबू को मैं भेजी थी आटा पीसने के लिए, और बाबू पीस कर ले आया था गेहूँ। और इसको जब मैं भर रही थी तो दोनों बच्चे आ जा रहे थे, पूरा परेशानी कर रहे थे। छोटी बिटिया जो है बार बार आ जा रहे थे, मैं भरूंगी दे दो मम्मी बोलकर, तो इसीलिए मैंने फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो को। और समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर एंड करूँ, इसीलिए मैंने यहीं से ही ब्लॉग आज का स्टार्ट किया है। और बाबू जो है हमारा बारिश में थोड़ा सा भीग गया था और आया था धूल मिट्टी होकर, इसलिए मैं बोली उसको तू नहा ले, और दोनों भाई बहन इसीलिए कपड़ा खोल कर नहाने के लिए मेरे पीछे आगे पीछे हो रहे थे। और एक शैतान को तो मैं भेजी और आ गई थी मैं अपने सिलाई कमरे में। और मेरा एक फॉल्स लगाना था साड़ी में, कल मैं आधा करके इसको रख दी थी, और अब बस ऊपर का सिलाई बाकी था, उसी को मैं सिलने के लिए बैठ गई थी। और जो है चाय नाश्ता हमने कर लिया था। और संडे के दिन तो ऐसे ही जल्दी बन जाते हैं क्योंकि बच्चे घर पर ही रहते हैं इसी कारण। और मैं सिल रही थी फॉल्स। और आप सब बताइए ज़रूर कि आप लोगों के साइड मतलब बारिश कैसे हो रही है। देखिए फिर से आ गया मेरा शैतान, उसको मैं भेज रही थी बार बार कि नहाने के लिए जा, तो फिर भी कैमरा हिला डुलाने में पूरा लग गया है फिर से। और फिर जाएगा ये छोटू वाला शैतान, तो आ जाएगी दूसरी शैतान, देखिए आ गई ये भी। और इनको मालूम नहीं है कि मम्मी नहीं देख रही है और यहाँ कैमरा लगा है, इसीलिए हाय हेलो कर रही हैं। और एक भगाई तो और एक आ गई, इसीलिए मैं आज के दिन मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाती। दोनों बच्चे तीनों हैं जो मेरे को पूरा दिमाग का मेरे भरमा बना डालते हैं, खिचड़ी बना डालते हैं, इसीलिए मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तो इसी कारण मैं आप लोगों को संडे को कुछ मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और जो भी है आज मैं आपको बस इतना ही शेयर कर रही हूँ, फिर आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट शाम वाले ब्लॉग में। और देखिए बिटिया जो है बोल रही है कि मम्मी को फ़ोन लगा दो, भाभी गई हुई थी कुचिंडा, और वहाँ पर से बड़ी वाली बिटिया रहती है कॉलेज में, हॉस्टल रहती है, उनसे मिलने के लिए गई थी। तो छोटी वाली गुड़िया बोल रही है मम्मी को कॉल लगा दो बार बार, इसीलिए मेरे को यहाँ पर ही एंड करना पड़ा। और मैं बोली कि ठीक है चलो कॉल लगा लेती हूँ, फ़ोन लेकर आओ, तो वो नाच रही हैं। और मेरी एक बड़ी बहन है मंजुला दी, उन्होंने कहा था कि सिस्टर आपका जो भी भाषा में व्यूज ज़्यादा जाता है उसी में ही ब्लॉग डाला करिए। तो मंजुला दी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मतलब व्यूज से कोई मतलब नहीं है, जब अपनों ही मतलब अपनों को ही समझ में ही ना आए तो व्यू से क्या मतलब। व्यू तो बस कोई भी ओपन करते ही एक व्यू आ जाएगा, लेकिन अपने को कुछ समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अपने अपने घर भी अपने अपने काम काज में सभी व्यस्त होंगे। बड़ी सी बारिश होने वाली है, पूरा मौसम बदली किया हुआ है और बादल भी गरजने लग रहे हैं। और बच्चे दोनों जिद कर रहे हैं साइकिल में घूमने जाने के लिए बाहर। रुकाओ बिठाऊँगी, आ जाओ बिठाऊँगी, आप बिठा के ले जाना उन्हीं को। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी शाम के भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बाबू क्या है साइकिल में उधर, और नोनी जिद कर रही है भाई के साथ जाने के लिए, वो भी साइकिल में बैठने के लिए। तो सो फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। देखिए अभी दोनों भाई बहन बाहर में घूम रहे हैं। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अच्छे से बैठो, देख के बेटा पैर नहीं लगाना है, कुछ नहीं होता, जाओ गिनना नहीं है, बाएं टाटा नहीं करना, हाथ नहीं छोड़ना, हाँ बाएं जाओ। क्या हुआ बेटा? हाँ चलो अब साइकिल अंदर घुसाओ, चलो एक बार मैं घूम के आता हूँ, अकेले घूम के नहीं, नोनी को उठा, देख मौसम पूरा बादल गरजने लगा। हाँ, एक बार जल्दी आ जाओ, चलो आ जाओ नीचे आ जाओ, चलो दादा आ रहे हैं, थोड़ा सा दादा थोड़ा सा घूम के आएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ बेटा, लाइटिंग फाइटिंग हो रहा है, बाप रे